एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो बीसीसी और यूजीएससी एंड जेईई मेंस के जो भी स्टूडेंट 2024 के हैं, आपको बता दूं आप लोग सबमिट विलिंगनेस कैसे करोगे। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, वेबसाइट पे जाओगे। अभी वैसे एक ही लिंक दिया गया यूजीएससी वालों का, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्लिक जैसे ही करोगे, आपको डेट ऑफ बर्थ विथ वाला पे जाना है, यूजीएससी आईडी विथ डेट ऑफ बर्थ, उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यूजीएससी आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। देख लो लॉगिन भी ऐसे, जैसे क्लिक करोगे विलिंगनेस फॉर स्पेशल काउंसलिंग आएगा, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस पर क्लिक करोगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसको क्लिक करना है। बट ये ऑप्शंस क्लिक नहीं हो रहे हैं अभी। आप करोगे, आज है 9th of October, नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से वो री लॉगिन हो जा रहा है, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए कल लिंक आ जाएगा, ठीक है। और सबमिट विलिंगनेस अभी नहीं हो रहे हैं पुराने स्टूडेंट के लिए, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है, बस उस वो लिंक एक्टिव हो गया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सबमिट विलिंगनेस आ रहा है। बट उस पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर से लॉग आउट हो जा रहा है। तो ये एक्टिव हो जाएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, न्यू कैंडिडेट को पैसे लगेंगे, जो भी जेईई मेंस के स्टूडेंट हैं, और बीसीसी वालों को पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया, आपको एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, पासपोर्ट साइज का फोटो जो कि 100KB का होना चाहिए, शायद हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर 100KB के अप्रॉक्स होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, न्यू रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो कल एक्टिव हो जाएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले करेंगे। और पुराने वाले बस आपको करना क्या, लॉग इन करना, सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करना है। मैंने आपको दिखा दिया अभी विंडोज में कैसे करना है, ठीक है। और कल भी वीडियोज आएगा जब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, जब आपके सबमिट विलिंगनेस होने लगेंगे, उसके बाद क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा। थैंक यू।